हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फ्रॉम द हार्ट। आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड रवि तिवारी फिर से लेके आओ एक नई वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में कोई मैं ड्राइंग नहीं बनाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ से मेरी स्टडीज़ हुई हैं, जहाँ से मेरे फर्स्ट से लेकर मैंने ट्वेल्थ तक की अपनी पढ़ाई पूरी करी है। और वो मैं इतने दिनों बाद आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। अभी एक्चुअली फ्रेंड्स, सीबीएसई की ड्यूटी चल रही है, जिसमें कि मेरा सेंटर जो है मेरा ही स्कूल पढ़ा है जहाँ से मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई हैं। और काफ़ी ओल्ड मेमोरीज है जो कि पूरी हो गई हैं। और मेरा जो स्कूल था बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जो कि BHL सेक्टर 1 हरिद्वार में है। जितने भी मेरे दोस्त और मेरे सीनियर जूनियर जो भी सब लोग हैं जिन्होंने बाल मंदिर से पास आउट किया है अपनी स्टडीज़, ये सारी चीज़ें तो उनके लिए ये चीज़ें दोबारा से यादगार हो जाएंगी। उनको सारी चीज़ें जो मेमोरीज हैं वो रिक्रिएट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में बने रहना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन साथ में जरूर दबा दो। जैसे कि आपको बताया कि मैं पेंटिंग का टीचर हूँ और 10th क्लास की कॉपी चेकिंग के लिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है बाल मंदिर में। तो फ्रेंड, 2012 में मैंने बाल मंदिर से अपनी जो 12th की क्लास है वो पास आउट किया था। और उसके बाद से मैं 2023 में एज अ एग्जामिनर वहाँ पे गया, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरा। और काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है और हमारे साथ में काम कर रहा है। तो ये मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था। और वहाँ पे सबसे बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि किस तरीके से पेपर वर्क होता है, कैसे चेकिंग होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। और उस स्कूल से काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि पूरा बचपन जो है मेरा वहीं पे, सारी चीज़ें वहाँ पे, मेरे बचपन के दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मिली हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विजिट कराऊंगा अपना स्कूल जहां से मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। और मेरे स्कूल का नाम है बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहां पे मेरी ड्यूटी लगी है जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। काफ़ी गर्व होता है कि जहां से पढ़ के निकले हैं वहीं पे ड्यूटी लगी है। और ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये मेरी 12th क्लास है, जहाँ पर हमारी 12th क्लास होती थी। 12th डी में था मैं और वही बोर्ड है सेम टू सेम। 2012 में मैंने 12th पास करी थी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल चेयर कैसी लगी हुई है। सिंपल चेयर टेबल होती थी, कुछ भी ज़्यादा जैसे आज के टाइम में बिल्कुल कंफर्ट वाली चेयर्स होती है वो चीज़ें नहीं है। और ये बाहर वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पानी पीने का था। और फ्रेंड्स, इस वाले एरिया में आके हम लोग बहुत दूर से आके और स्लिप मारते थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता था। और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी पीने का था। हम लोग नल लगे हुए थे काफ़ी सारे, हम लोग पानी पीते थे। और इसके ऊपर चढ़ के हम लोग अमरूद का एक पेड़ भी था यहाँ पर जो कि तोड़ा करते थे। तो काफ़ी अच्छे मोमेंट हैं। ये ऊपर की साइड पे सारे 10th क्लास, 10th 9th ऊपर साइड है, नीचे की साइड पे 11th 12th यही सारी क्लास है। और आप ये वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, अभी तो काफ़ी कम हो गए। और फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया होता था यहाँ से हम बहुत दूर से भाग के आते थे और भागते भागते एकदम से स्लिप मारते थे। कई बार तो हम लोग इसकी वजह से टीचर से पिटे भी हैं। और वो मोमेंट बहुत ही ख़तरनाक मोमेंट था। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ पे खड़ा था और जस्ट मेरे बगल वाली क्लास से मेरा दोस्त निकल रहा था। और वो आ रहा था तो मैंने अपने हाथ में कॉपी रखी हुई थी, मैंने सोचा आएगा तो इसको मारूंगा। और मैंने फेस जो है वो जस्ट अपोजिट साइड पे कर लिया था। और मेरा दोस्त जब आ रहा था तो वो वहाँ से हट गया और उसकी जगह पे सर आ गया। और जब मैंने ऐसे कॉपी घुमाई तो वो सर के लग गई थी। और उस दिन मेरी बहुत गंदे वाली पिटाई हुई थी। उस दिन से मैंने ये सारी चीज़ें करनी छोड़ दी थी। तो ये मोमेंट, इस सिचुएशन जो ये जगह देख रहे हैं आप, यहाँ से जुड़ी हुई है। और ये जो ऊपर वाला सीन आप देख रहे हैं ये हमारी इधर की साइड पर 10th 9th क्लास होती थी। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं 11th क्लास दिखाता हूँ कि हमारी 11th क्लास कहाँ पे थी। तो जो ये सामने वाली क्लास आप देख रहे हैं ये 11th डी थी और इसके जस्ट बगल में वॉशरूम था जहाँ से बहुत गंदी वाली स्मेल आती थी। देन उसके बाद से 11th सी और सबसे लास्ट में हमारा 11th, मतलब उधर से स्टार्टिंग है। और मेरा जो मैंने जो अभी आपको किस्सा बताया था वो जस्ट इसी क्लास का था। मैं इसके बाहर खड़ा था और मेरा दोस्त सामने वाली क्लास से निकल के आ रहा था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्री था जो कि गिर गया था। जब हम लोग 10th क्लास में थे तो आंधी की वजह से वो एकदम से बहुत तेज़ी से गिरा था और हम लोग बिल्कुल डरे नहीं थे। हम लोगों को मज़ा आ रहा था, इवन कि हमारी क्लास में पेड़ आ गया, हम लोग पत्ते वत्ते तोड़ रहे थे। आम का पेड़ था शायद में वो, और हम पत्ते वत्ते तोड़ रहे थे। और अभी ये वाली जो क्लास आप देख रहे हैं ये 11th क्लास है। इसमें हर टेबल पे आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा ही। सारे बच्चे वहाँ पे लिखते रहते थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे। और ये जो आप बैक में ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई दिख रही थी ये हमारी क्लास ने ही बनाया था। वहाँ पर हमारी क्लास के कुछ बच्चे थे जो ज़्यादा ही महान थे। हर टेबल पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूँ वापस से, मतलब 2012 के बाद से अब जाके, मतलब उसके बाद से मैं बैठा हूँ 2023 में। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट है और काफ़ी सही लग रहा है।
और ये जो जितनी भी चीज़ें आप बैग में देख रहे हैं, मतलब 2011 में 11th में था मैं, तो सेम वैसी ही वॉल है ये, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इवन जो यहाँ पे ग्लास व्लास ये सारी चीज़ें थी जो टूटी हुई थी, वो भी सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो वो भी काफ़ी अच्छा यादगार है हमारे लिए। यहाँ पे क्या होता था कि क्ले लगा होता था, क्ले से कवर की हुई है, तो क्ले हम निकाल के खेलते थे, एक दूसरे को बजाते थे पकड़ के। तो एक बार क्या हुआ कि जो उसमें ग्लास था वो टूट गया, और उसकी वजह से हम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ा था। तो बहुत ही ख़तरनाक सीन हुआ था उस दिन भी। और फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाता हूँ ग्राउंड। हमारा जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, और यहीं पे हमारी प्रेयर होती थी, यहीं पे स्टेज भी है। और ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हो बिल्कुल बहुत पीछे तक है, बहुत ही बड़ा है। इवन आप अगर पीछे चले भी जाओ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कोई बता नहीं सकता कि वहाँ कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हमारे पंगे होते थे, मतलब लड़ाई वड़ाई होती थी, ये सारी चीज़ें, तो हम लोग उधर ही की साइड जाके इन चीज़ों को सॉल्व करते थे, और बहुत गंदे वाली लड़ाई होती थी। और फ्रेंड्स, जब भी हमारा गेम पीरियड होता था और हमको क्रिकेट ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, तो ये वाला जो फट्टा आप देख रहे हैं इसको हम लोग निकाल लेते थे और कागज़ की बॉल बना के उससे ही हम लोग खेलते थे। देन जब हमारा गेम पीरियड ओवर हो जाता था तो हम वापस उसको स्क्रूज के कस देते थे, सेट कर देते थे इसको। तो ऐसे ऐसे जुगाड़ भी हम लोगों ने काफ़ी सारे किए हैं। अब मैं आपको ऊपर वाले एरिया में चल के दिखाता हूँ कि हमारी जो 10th क्लास थी वो कैसी थी। 10th क्लास से तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं। और यहाँ से हम लोग नीचे कूद जाते थे, और उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि क्या कर लिया। और जो ये आपने भी विंडो देखी, इससे हम लोग पता लगा लेते थे कि कोई टीचर आ तो नहीं रहा है, उसके बाद से हम लोग कूदते थे। और ये ऊपर की साइड भी, यहाँ तो हमेशा यही फालतू की जो चेयर्स होती थी, चेयर टेबल टूटी हुई रहती थी, वो सारी पड़ी हुई थी। और जस्ट इस साइड पे हमारी 10th क्लास थी, मतलब ये जो ये वाला एग्जामिनेशन हॉल था हमारा, और उसके बाद में शायद 9th क्लास थी, देन उसके बाद से 10th, ये सारी चीज़ें थी। और ये जो सामने आप क्लास देख रहे हैं ये 10th डी थी, और उसके बाद हमारा 10th सी था, फिर 10th बी था, और फिर 10th ए था, कॉर्नर में 10th ए है। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी क्लास में लेकर चलता हूँ। ये वाली जो आप क्लास देख रहे हैं ये हमारी क्लास है, इससे एक काफ़ी ख़तरनाक वाली मेमोरी जुड़ी है। एक बार क्या हुआ था, हमारा SST का पीरियड चल रहा था और हम लोग 6 जने थे। हमारा SST में काम वर्क जो था हमारा कंप्लीट नहीं था, तो इसके लिए हमें सर ने क्लास से बाहर कर दिया था। देन फिर उसमें से एक बच्चा चला गया पेटीज लाने। सर आए बाहर आके, देखा कि तुम तो 6 जने थे, तो हमने कहा नहीं सर हम 5 ही जने थे। और फिर इतने में वो पेटीज लेके आया और हमने फटाफट खा लिया और फिर हम खड़े हो गए। और फिर सर आके कह रहे कि तुम तो 5 जने थे, तो हमने कहा नहीं नहीं सर हम लोग तो 6 ही जने थे। फिर सर कह रहे कि ये बना रहे हैं मेरा। सर ने फिर तबीयत से तोड़ा 6 जनों को बिल्कुल अच्छे से, और एक एक करके सबको अंदर लिया। तो ये वाली मेमोरी, यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त देख रहे होंगे उनको पता है मैं किन की बातें कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। और यही वाला वो एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहीं पे हम लोग खड़े थे, जस्ट पीछे जहाँ पे आप ये टेबल चेयर देख रहे हैं, ये पूरा एरिया खाली था, लाइन से हम लोग खड़े थे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है ये एरिया। अपनी क्लास इधर की साइड में, 10th क्लास अपनी। तो सारे जितने भी 10th वाले मेरे साथ के हैं, लाइक करना जरूर। अभी रूम बंद है वरना आप लोगों को दिखाता मैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर की साइड हमारा आर्ट रूम होता था, और यहाँ से जो हमारा ग्राउंड है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रेयर होती थी। और ये वाला जो एरिया देख, आर्ट रूम है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं। काफ़ी, मतलब ज़्यादा बड़ा आर्ट रूम नहीं था, लेकिन वर्क इतने अच्छे अच्छे लगे थे यहाँ पे, और मेरा भी वर्क यहाँ पे लगता था। और इधर की साइड पे जो 9th सेक्शन होता था उनकी क्लास होती थी, और यहाँ से हम लोग ऊपर आते थे जब हमारी प्रेयर ख़त्म हो जाती थी, तो नीचे से हम लोग ऊपर इसी साइड से आते थे। और हमारा एक दोस्त हुआ करता था तेजपाल, तो उसके नारे हम लोग लगाते हुए आते थे, पूरा नहीं बताऊँगा, नहीं तो जब भी कोई बच्चे को पनिश करना होता था सर को, तो सर कहते थे कि जाओ बेटा डंडी लेके आओ, और हम लोग इसी पेड़ से, जो इसकी डंडियाँ आप लोग ये देख रहे हैं, इसी से तोड़ के और हम लोग लेके आते थे। और ये पेड़ भी काफ़ी, मतलब, यादगार है, और अभी तक ये पेड़ है, और जस्ट वैसे ही इवन अभी तक भी ना कुछ भी चीज़ बदली नहीं है, सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा और डैमेज हो चुका है ये। इसमें अगर रिपेयरिंग एक बहुत अच्छे तरीके से अगर एक बार रिपेयरिंग हो जाए ना, तो ये इस स्कूल से बढ़िया कोई स्कूल नहीं है। ये स्कूल बहुत स्कूलों को बीट कर सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे बनी है, और काफ़ी ग्रीनरी वाला एरिया आपको इसमें देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं देख के। और यहाँ से हमारा मतलब जो मैंने आपको भी बताया था ना, प्रेयर ख़त्म होती थी तो हम लोग यहाँ से आते थे, तो ये वो एरिया है। और इसको अभी बंद कर दिया गया है और सब कुछ वैसे ही है, जो ग्लास टूटे हुए थे वो टूटे हुए हैं, उनको जोड़ा नहीं गया है अभी तक। और ये क्लासेस हैं देख सकते हैं आप, अभी वैसे बच्चों को एग्ज़ाम चल रहे हैं, बोर्ड का सेंटर पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज है। लेकिन हम लोग, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा एंड में पूरी, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे बैठते थे क्लास में। काफ़ी मज़े आते थे। ये वाला एरिया ऐसा होता था कि हम लोग भागते हुए जाते थे, यहाँ पर भी हम लोग स्लिप मारते थे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है। लंच में हम लोग यहाँ पे इस वाले एरिया में ना, क्योंकि हम 10th क्लास में थे तो हम लोग चोर पुलिस खेलते थे और पूरे एरिया में हम लोग भागते थे, क्योंकि निकलने के बहुत सारे रास्ते थे। तो हम होते थे 6-7 जने, तो हम लोग अपना खेलते रहते थे, इधर से उधर पूरा भागते थे, इस पर भी भागते थे। और इस पर एक बार गए थे तो बहुत गंदे वाली पिटाई हुई थी, क्योंकि उस पर क्या है कि वहाँ से कूद के जाने को तो जा सकते हैं लेकिन चोट लगने के भी चांसेस हैं, तो इसलिए टीचर लोग सेफ्टी के लिए पिटाई करते थे। और जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया, ये वाला तो इस टाइप का फीलिंग दे रहा है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज था, तो उस टाइम पे तो डॉक्टर स्ट्रेंज था नहीं, और देखो उससे पहले से मे बी यहाँ से आइडिया लिया होगा मार्वल ने। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग का एरिया। इसमें क्या होता था, यहाँ पे ये रिसेप्शन है और यहाँ पर मेरी पेंटिंग लगी हुई होती थी जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे दो लोग बैठते थे रोल नंबर वाइज, यहाँ पे टीचर्स अटेंड नहीं करते थे या कोई जैसे रिसेप्शनिस्ट होता है उस टाइप के नहीं होते थे, यहाँ पे बच्चे ही अटेंड करते थे। और ये काफ़ी अच्छा होता था क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता था कि किस तरीके से चीज़ों को आपको हैंडल करना है, तो रोल नंबर वाइज यहाँ पे बच्चे बैठते थे और वो भी काफ़ी अच्छा होता था। और हम लोग वेट करते थे कि हमारा रोल नंबर कब आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, मतलब जैसे जब ठंड बहुत ज़्यादा होती थी ना तो यहाँ से हम लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे जब हमारा गेम पीरियड होता था और जला देते थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे मोमेंट थे। और उसकी वजह से भी पिटाई होती थी हमारी काफ़ी, यहाँ पे भी काफ़ी सारे पेड़ और साइकिलें लगी होती थी, क्योंकि उस टाइम पे बाइक वाइक ये सबसे तो कोई आता नहीं था। आज की जनरेशन ऐसी है कि अगर उनको साइकिल दे दो तो उनको शर्म आती है, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग साइकिल से आते थे और वो भी जो 22 इंची वाली साइकिल होती है ना उससे आते थे, तो उससे ही हम लोग सोचते कि अरे हम तो सही लग रहे हैं। और ये यहाँ पे एंट्री गेट है, ये देख सकते हैं आप जो सामने है। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे बाल मंदिर लिखा हुआ है जो कि अभी मतलब जंग लग गया है, लोहे से लिखा हुआ था, तो ये है। लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और ये बाहर से कुछ इस तरीके का लगता है, यहाँ पे तो पूरी गंदे वाली भीड़ हो जाती थी। और ये अंकल जो है ये हमारे टाइम से ही जूस लगाते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे छोले कुलचे मिलते थे, तो हम लोग 5 रुपये 2 रुपये इकट्ठे करके और छोले कुलचे यहाँ पे खाते थे, जैसे हमारा गेम पीरियड होता था या छुट्टी होती थी तो हम लोग ऐसे छुप छुपा के चले जाते थे। उसकी वजह से भी 1-2 बार फंसे हम लोग, लेकिन यही तो मेमोरीज है ना। और फ्रेंड्स जो पंगे होते थे हमारे जो ज़्यादा बड़े लेवल के होते थे उनको भी हम यहीं बाहर आके सॉल्व करते थे, क्योंकि अंदर तो लड़ाई हो नहीं सकती थी, तो हम लोग कहते थे चल बाहर मिल तेरे को बताते हैं, तो वो एरिया यही था जहाँ